asalaamu alaikum viewers welcome back to my youtube channel seek and rise i hope you are doing very well in this video i am going to share with you the complete interview details for the post of management training officers and other internships in 4g fertilizer company absab jante that 4g fertilizer company herzal management training officer key recruitment for the different posts including chemist like chemical engineering अलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेल इंजीनियरिंग तो इन सब का इंटरव्यू किस तरह से होता है किस तरह के क्वेश्चन होते हैं और सारा प्रोसेस कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है इस सब की सारी डिटेल्स इस वीडियो में शामिल की गई है बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड अदर हाईली रिसर्च रिसोर्सिस सो स्टेट विद दिस वीडियो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात कर लेते हैं कि ये प्रोसेस किस तरह होता है फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के थ्रू एडवर्टाइज़ होने वाली मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर्स की पोस्ट या इंटर्नशिप्स के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यू हैव टू क्वालिफाई फॉर द एनटीएस टेस्ट एनटीएस टेस्ट में क्वालिफाइड कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है ऑन द बेस ऑफ देयर बायो डाटा फॉर्म एंड द दर्फॉर्मर दे हैव फिल्ड ऑन देयर वेबसाइट उसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है और ये इंटरव्यू दो मराहल पर मुश्तम होता है इनिशियल इंटरव्यू एंड फाइनल इंटरव्यू इनिशियल इंटरव्यू सब्जेक्ट बेस्ड इंटरव्यू होता है जिसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड और आपके नॉलेज को टेस्ट किया जाता है फ़ाइनल इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी को जज किया जाता है आपके एप्टीट्यूड को देखा जाता है कि आप इंडस्ट्री के लिए सूटेबल कैंडिडेट हैं या नहीं हैं आई एम शेयरिंग ऑल द डिटेल फ्राम द स्क्रैच आई एम स्टार्टिंग फ्राम द य रीचिंग टू देंटर एंड दैन ऑल द डिटेल्स तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने जब प्लांट साइट पर पहुँचना है आप जानते हैं कि फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की दो प्लांट साइट्स हैं एक कराची में हैं और दूसरी साथ का बाद में घोट माजी जो कि रहीमया खान में आता है वहाँ पर है तो ये एरियाज बहुत डाइवर्स हैं और बहुत दूर हैं जबकि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कंट्री के डिफरेंट एरियाज इंक्लूडिंग द यू नो के पी के बलूचिस्तान सिंध और पंजाब के डिफरेंट uh, शहरों से आ रहे होते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ द ट्रांसपोर्ट सर्विसज के थ्रू जब एप्लीकेंट्स वहाँ पर पहुँचते हैं तो फौजी फ़र्टिलाइजर कंपनी के uh, जो वर्कर्स होते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर से रिलेटेड वो कैंडिडेट्स को रिसीव करते हैं फ्रॉम देयर स्टेशन और उनको सेफली फ़ौजी फर्टिलाइजर कंपनी के अंदर ले जाया जाता है कैंडिडेट्स uh, को स्टे के लिए रूम अलॉट कर दिए जाते हैं और उनकी रिफ़्रेशमेंट डिनर लंच और ब्रेकफास्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है आ, ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं फौज फर्टिलाइजर कंपनी की तरफ से होती हैं जितने भी कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाता है उनका जितना ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको री कर दिए जाते हैं और उनको रिटर्न टिकट्स जो है वो फ्री प्रोवाइड की जाती हैं खाना पीना डिनर सब चीज़ें फ्री होती हैं इंटरव्यूज़ के लिए और इसके बाद आप लोगों को एच ऑफिस में ले जाया जाता है जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन के बाद एक शॉर्ट इंट्रोडक्ट्री वीडियो रिकॉर्ड की जाती है इस वीडियो रिकॉर्डिंग का मकसद ये होता है कि ये वीडियो पैनल मेंबर्स को आ फाइनल इंटरव्यू से पहले जो है वो दिखाई जाती है ताकि वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में जज कर सकें उसके बाद जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है जितने भी कैंडिडेट गए होते हैं इंटरव्यूज़ के लिए उन सब का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद एक फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की गाड़ी में आपको एक गाइडेड ट्रिप करवाया जाता है जिसमें इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ये गाइडेड ट्रिप जो होता है इसमें डिफरेंट वर्कर्स होते हैं इंडस्ट्री के वो आपको डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं फ्राम मैनुफेक्चरिंग सेक्टर्स फ्राम ट्रांसपोर्ट सेक्टर फ्राम द सेफ्टी कंट्रोल यूनिट्स और इस तरह सारी इंफॉर्मेश्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं टेक्निकल जो सेक्शन होता है वहाँ पर ले जाया जाता है वहाँ के वर्कर्स से बात करवाई जाती है सेफ्टी कंट्रोल यूनिट्स के तक ले जाया जाता है वहाँ क्या क्या मयर्स हैं सेफ्टी मयर्स वो उनके बारे में आगाह किया जाता है उसके अलावा जो उनका रेजिडेंशियल कॉलोनी है वहाँ ले जाया जाता है आपको डिफरेंट ट्रांसपोर्ट कम्पलेक्सेस दिखाए जाते हैं वहाँ पर मॉल्स कितने हैं वहाँ पर क्या सर्विसज और फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं फॉर द वर्कर्स टू इंजॉय देयर लाइफ एज़ वेल उसके अलावा मैनुफेक्चरिंग जहाँ होती है उसके बारे में बताया जाता है कितने कितने प्रोसीजर होते हैं क्या वहाँ पर वर्कर्स का रूटीन्स होती है वो सारी चीजें जो है वो बताई जाती हैं इस सब का मकसद क्या होता है कि आपको इंडस्ट्री के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए ताकि आप अपना एक माइंड सेट बना लें और आप इंटरव्यू में बेस्ट परफॉर्म कर सकें ऑन द बेस ऑफ योर नॉलेज ये मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था ये बहुत ही हेल्दी एक्सपीरियंस था और इसमें आपको बहुत इनसाइट इंफॉर्मेशन मिलती है इंडस्ट्री के बारे में कि इंडस्ट्रीज़ किस तरह वर्क करती हैं नाओ कम्स द इंटरव्यू डे यानी कि फ़र्स्ट इंटरव्यू का आपका जो डे होता है ऑल दोनों इंटरव्यू यानि कि फ़र्स्ट इंटरव्यू और सेकेंड इंटरव्यू एक ही दिन में कन्डक्ट होते हैं लेकिन पहला जो इंटरव्यू होता है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ वो सब्जेक्ट बेस्ड इंटरव्यू होता है और उसका पैनल तीन मेम्बर्स पर मुश्तमिल होता है तीन मेंबर्स जो होते हैं ये सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होते हैं और आपके सब्जेक्ट के मतलक ही आपसे सवाल करते हैं केमिस्ट के रिलेटेड केमिस्ट होंगे और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होंगे इसी तरह से हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो स्पेशलिस्ट होंगे वो आपसे क्वेश्चन करेंगे अब जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था चूँकि मैं केमिस्ट हूँ मेरी ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में है मैंने केमिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था आई वॉज शॉट स्टीड एंड आई वॉज कॉल्ड फॉर इंटरव्यू फिर उसके बाद जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था उसमें मुझसे पूछा गया वट uh, के इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ उसके बाद वट इज़ क्रोमेटोग्राफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी ऑन द बेस ऑफ देयर स्ट्रक्चर मैकेजम और इस तरह से थी उसके अलावा जो पी एच रेंज होती है फिनाफ्तिलीन जो कि इंडिकेटर होता है उसकी पी एच रेंज क्या है मुझसे ये पूछी गई वो किस कंडीशंस में वर्क करता है और इसकी ड्रा स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए मुझे कहा गया कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑफथरीन आफ्टर दैट दे हैव आस मी वट इज द कॉमन आइन इफेक्ट एंड दैन वट इज द पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी ऑल द दे हैव ऑस मी द क्रोमेटोग्राफी प्रीवियसली बट दे हैव आल्सो आस मी इंडिविजुअली द डिफरेंट टाइप्स वट दे एंड देन दे आस मी दे यूज ऑफ द क्रोमेटोग्राफी आफ्टर दैट दे हैव आस मी द क्वेश्चन रिलेटेड टू स्पेक्ट्रोस्कोपी एनी वट इज द आई आर स्पेट्रोस्कोपी वट इज यू वी स्पेक्ट्रोस्कोपी वट दे आर यूज फॉर सो दिस वॉज माई पर्सनल एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट ऑफ द केमिस्ट इन द फोजी फर्टिलाइजर कंपनी अदर इंटरव्यू एक्सपीरियंसिस लाइक फॉर केमिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैकेल इंजीनियरिंग आर बेस्ड ऑन द एप्लीकेंट्स जो कि मेरे फेलो एप्लीकेंट्स थे वहाँ जो लोग इंटरव्यू के लिए आए हुए थे तो उनके एक्सपीरियंसिस मैंने कलेक्ट किए हैं और आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ ताकि मैक्मम लोगों का बेनिफिट हो सके और वो पहले ही जान सकें कि, कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनको किस तरह से प्रिपेयर करना है जो केमिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन थे वो कन्सेपच्चुअल बेस्ड क्वेश्चन से लाइक like हर सब्जेक्ट के ही क्वेश्चन कन्सेपच्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे लेकिन आपको ये बात भी माइंड में रखनी है कि वो आपसे पेपर पे भी लिखवा सकते हैं जैसे कि मूसी फिनफ्तलिन की स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए कही गई और उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट से uh, कार्नेट साइकिल को ड्रा करने के लिए कहा गया और पूछा गया वाट इज़ द फ्लूड विलोसटी इन द नोजल और उसके अलावा वट इज़ द एंट्रोपी वट इज़ द आइसोबैरिक प्रोसेस सो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यानी कि आपकी ग्रेजुएशन लेवल की जो स्टडी होती है आपने स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड आपको उसकी बेसिक्स प्रिपेयर करके जानी है और कंसेप्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन थे लाइक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा गया उसके बाद सिंक्रोनमस मोटर क्या होती हैं इंडक्शन मोटर क्या होती हैं स्प्लिट रिंग द कम्यूटेशन हाई वोल्टेज सचुरेशन ट्रांसफार्मर क्या होते हैं फॉल्ट एंड इन रश करंट इन ट्रांसफार्मर ये क्या होता है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पूछे जाने वाले क्वेश्चन दे आर लाइक यू नो दे वर अकॉर्डिंग टू देर सब्जेक्ट लाइक वर्ट बॉयलर हीट एक्सचेंजर हाई प्रेशर वैसल कन्वेयर्स क्या होते हैं एंड व्हाट वट दे हैव स्टडी इन द ग्रेजुएशन कोर्सेज लाइक थर्मोडानेमिक्स हीट ट्रांसफर्स मैकेनिक्स ऑफ द सोल्स एंड द रेफ्रिजरेशन तो आपने जितना भी अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होता है उसके आप बेसिक्स और आ, उसके कंसेप्ट अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाएँ तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं और जिन कैंडिडेट्स को फिर फ़र्स्ट इंटरव्यू में अच्छी परफॉर्मेंस होती है उनको फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है वो फाइनल इंटरव्यू उसी दिन होता है आफ्टर सम गैप ऑफ़ द वन टू टू आवर्स आपका फ़ाइनल uh, इंटरव्यू हो जाता है जिसके मैंबर टेन मेंबर्स का पैनल होता है और ये जो मेरा एक्सपीरियंस था पर्सनल एक्सपीरियंस था वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और तो जब आप रूम में एंटर होते हैं तो दस लोग जो हैं वो आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं आपकी वीडियो पहले चल रही होती है वहाँ पर और वो आपकी वीडियो में आपका इंट्रोडक्शन देख चुके होते हैं जो आपने इंट्रोडक्टरी एक वीडियो बनाई होती है स्टार्ट में उसके बाद uh, में जो क्वेश्चन किए गए वो थे कि हाउ कैन वी गेट सच अ हाई सी जी पी देव सीन माई सी जी पी एंड दे हैव आज दिस क्वेश्चन उसके बाद वट यू डू अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ मुझसे मेरी हॉबीज़ के बारे में पूछा गया और काफ़ी इनसाइट में पूछा गया मैं आई प्ले बैडमिंटन सो दे हैव आस मी अबाउट द बैडमिंटन डिटेल्स एंड ऑल द अदर टर्म्स इंक्लूडेड इन द बैडमिंटन उसके बाद तो आप जो भी हॉबी बताएंगे आपको उसकी सारी डिटेल्स आपने बतानी है आप क्या करते हैं उसकी सारी डिटेल्स आपने उनको बतानी है उसके बाद दे हैव आसमीन के टल्स अबाउट योर फैमिली वट डू योर फ़ादर वर्क और उसके बाद उन्होंने मेरे फ्यूचर गोल्स के बारे में मुझसे पूछा लेकिन ये इतना सिंपल आपको क्वेश्चन में लग रहा है इतना सिंपल नहीं था उनका बिहेवियर जो था वो बहुत ज़्यादा यू नो वो आपको जज कर रहे होते हैं कि आपका पेशेंस कितना है तो बहुत रूड एक्सपीरियंस uh, भी होता है कि आपके साथ पैनल जो है ना वो बहुत स्ट्रिक्टली बात करता है और वो जज कर देते हैं कि आपके अंदर कितना पेशेंस है आप किस तरह हाँ से डील करेंगे इस सिचुएशन के अंदर सो हाउ यू फाइंड आवर इंडस्ट्री सूटेबल फॉर यू यानी कि उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किए फिर उसके बाद वट यू वॉन्ट टू डू इन फाइव ईयर नेक्स्ट फाइव ईयर और उसके बाद जो मोस्ट कंसर्निंग क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर्स का कि आप आ, आपके लिए इजी है कि आप अपने घर से बाहर जो है वो इतने दूर इलाके में किसी इंडस्ट्री में वर्क कर सकती हैं आपका बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड क्या है और आपकी जो है वो पर्सनालिटी आपकी किस तरह से है कि आप आ, बीच में तो नहीं छोड़ चली चले जाएँगी यानी कि विद इन द वर्किंग डेज ये होता है कि वो किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर वो छोड़ कर चला जाए बीच में तो इस तरह जो है वो कंपनी का एक बैड इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है और वो बैड इम्पैक्ट ये होता है कि उन्होंने आपके ऊपर इतना ज़्यादा रिसोर्सेज अपने लगाया होते हैं आपकी ट्रेनिंग में और इस सब में और फिर आप छोड़ कर नहीं जा सकते विद इन द वर्क तो ये वो इस चीज़ को मेक मेकश्योर करते हैं कि आपका एक पर्सनालिटी किस तरह से है और आप पहले किस तरह बाहर रह चुके हैं और आप क्या कुछ आपकी एक्टिविटीज़ रही हैं प्रीवियस आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं आपकी क्या अवार्ड्स हैं शॉर्ट लिस्टिंग के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मैं ये भी बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हमारे मार्क्स जो है वो सेवनटी प्लस थे एटी प्लस थे एन में बट दे आर नॉट शॉर्ट लिस्ट शॉट लिस्टिंग के लिए ज़रूरी होता है कि आपकी अचीवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो आपके अवार्ड्स हो आपने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी की हो क्योंकि दे डोंट वांट यू टू जस्ट यू नो यू आर स्टडिंग एंड जस्ट स्टडिंग एंड स्टडिंग यू हैव अ वेरी गुड प्रोफाइल ओवरऑल तो आपकी प्रोफाइल जितनी अच्छी होगी आपके शॉर्ट लिस्टिंग होने के चांसिस भी ज़्यादा हो जाएंगे अगर आपने मेरी वीडियो को uh, इन्जॉय किया है आपको अच्छी लगी है आपको इन्फॉमेशन मिली है तो इसको लाइक like कर दें शेयर कर दें शेयर ज़रूर कीजिएगा और क्योंकि आ, मैंने ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि मैक्सिमम लोगों को जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए क्योंकि जब मेरा इंटरव्यू था मुझे ये इन्फॉमेशन नहीं थी कि किस तरह से इंटरव्यूज़ होते हैं दो दो इंटरव्यू होते हैं और किस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो अगर ये किसी को पहले पता चल जाता है तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा इंटरव्यू में सिलेक्शन चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें आ, और आ, मजीद वीडियोज़ के लिए जो है वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें टिल देन अल्लाह हाफिज़